स्मार्ट आर्ट्स का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ये डायग्राम से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पे डिफरेंट काइंड की रिलेशनशिप आना चाह रहे हैं, इस तरह वाला ये डायग्राम शो करवानी है, ये वाली डायग्राम शो करवानी है, उसके फॉर्मेट में यहाँ पे आ गए। आप यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखते जाएं, जैसे कि जी पाकिस्तान, इसी तरह यहाँ पे दूसरा है जी इंडिया, इसी तरह यहाँ पे आगे जी चाइना, और यहाँ पे आगे जी यूएसए, ठीक है। बाकी टेक्स्ट इसके अंदर जो है वो आ गया जी इस्लामाबाद, वो खुद ही टैक्स एडजस्ट करता जाएगा, और इंडिया का मुंबई है मेरा ख्याल है। जो भी उसका वो यूज करते हैं मुंबई, चाइना का मेरा ख्याल से वो है शिंगाई, और यूएसए का मेरे ख्याल से वो व्हाइट हाउस ही है शायद, नो आइडिया। सो जो भी आप लिखेंगे इस तरह की शेप आपने बना दी। सो देखिए ये इस तरह की स्मार्ट आर्ट सेट करने के लिए नॉर्मली हम, अब ये वाला पोर्शन डिलीट करना, सिर्फ ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया आपने, ये डिलीट करना है, ये डिलीट कर दिया सेक्शन, यहाँ से डिलीट दबाते जाएँ उसके ऊपर, डिलीट करता जाएगा सेक्शन को, यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब ये इंडिया को डिलीट कर देते हैं, मुंबई को डिलीट कर देते हैं, इसी तरह पाकिस्तान, इस्लामाबाद, जो आपने डिलीटिंग करनी है उसके मुताबिक शेप आपकी एडजस्ट होती जाएगी। सो स्मार्ट आर्ट में आपके पास काफ़ी टाइप की डायग्राम्स, हिस्ट्रीज अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइम काइंड्स की, चार्ट्स, रिलेशनशिप, ऑफिस डॉट कॉम, पिक्चर्स, पैराडाइम, पिक्चर्स के फ्रेम होते हैं, ये पिक्चर, तीन पिक्चर लगानी है तो पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर यहाँ पे, तीसरी पिक्चर, इसी तरह टेक्स्ट उनके टाइटल्स देने हैं, तो स्मार्ट आर्ट आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास चार्ट अवेलेबल हैं जी, कौन सा वाला चार्ट, सरफेस चार्ट है, एरिया चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इनके, सबनेट्स हैं, बॉक्सेस हैं, वाटरफॉल्स हैं, कॉम्बो हैं, सो देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ चार्ट आर अवेलेबल। आप किसी एक को सेलेक्ट कर लें, आप सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके आप कर लें जी चेंजिंग सीरीज चार्ट टाइप। सो यहाँ पे वो पूरी आपको लिस्ट बताता जाएगा, पाई चार्ट इस तरह के होते हैं, ये शेप है, ये है, 3D बनाना जी, ये वाला बनाना जी डोनट, तो ये डोनट में शिफ्ट हो गया। सो ये डाटा शीट आपके पास आ गई, इधर आपकी जो भी फील्ड्स आपने रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के जी यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, लाहौर, चाइना, यूएसए, अमेरिका, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे वो उनके कलर स्कीम चेंज कर रहा है, मैं वैल्यूज यहाँ पे देता हूँ 1, लेकिन वो चेंज हो रहा है रियल टाइम पे, चेंज हो रहा है 3, 4, 5, सो रियल टाइम पे ये चेंज हो रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जो वैल्यू देंगे वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। टेबल को क्लोज करें, ये आ गया। अब इसको आपने चेंज करना है, राइट क्लिक करके आप एडिट डाटा करना चाहते हैं तो डाटा एडिट कर लें, जो भी डाटा दिया था आपका, ये जी 100 था, ये 150 था, ये 75 है, ये 30 है, ये 5 ही रखते हैं जी, इसको 900 कर देते हैं, इसको हम 8000 कर देते हैं, तो उसके मुताबिक वो चेंजिंग्स होती जा रही है। सो इसके कलर स्कीम स्टाइल चेंज करना है, ये स्टाइल रखना है, ये स्टाइल रखना है, ये रखना है, प्लस करना है, इसके अंदर डाटा लेबल शो नहीं करवाने, ये शो नहीं करवाना, चार्ट का टाइटल नहीं शो करवाना, फिल्टर करना है इसके अंदर डाटा सिलेक्टेड, तो वो एनालिसिस सारी सीरीज आ जाती है, यूएसए को फिल्टर नहीं करना, हाईलाइट कर दिया उसने सिर्फ उसी पॉइंट। सो जो चीज़ें आप चार्ट के अंदर चाहते हैं उस तरह की आप सेटिंग उसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जी आपके पास स्क्रीन शॉट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट पर क्लिक करते हैं तो ये आप इतने हिस्से को स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं, सॉरी स्क्रीन शॉट, सो मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट करना है ये। सो देखें स्क्रीन शॉट होके इमेज बन गया, अब आप इस इमेज के ऊपर आप जो भी आपने वर्किंग करनी है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्टोर्स हैं, ये एडिंस हैं, एडिंस क्या होते हैं, अगर आपने इसके अंदर कोई लाइब्रेरीज वगैरह ऐड करनी है ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं, जैसे मैथ टाइप का सॉफ्टवेयर है उसकी लाइब्रेरी ऐड करनी है, कोई और टूल है उनकी लाइब्रेरीज को फिट करना है, तो उसके लिए एडिंस यहाँ पे यूज करते हैं। ऑनलाइन वीडियोस, अगर आपने मीडिया इसमें कोई ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करनी है, तो वो ऑनलाइन अगर लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए। हाइपरलिंक क्या होता है, ये नॉर्मली हम वेब डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ दिस इज माई पेज, क्लिक
मैं इस पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं हाइपरलिंक पे जाता हूँ। मैं इसके अंदर वो इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ, पिक्चर्स, लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरी पिक्चर्स में, सैम्पल पिक्चर में एक पिक्चर उठा लेते हैं जेली, ओके। और अब मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूंगा तो ये वो फाइल ओपन कर देगा। ये लिंक्स क्रिएट करने के लिए होता है, ये देखिए इसने ब्राउजर में उसको लिंक कर दिया, ये फाइल ओपन हो गई यहाँ पे। सो ये हाइपर लिंक होता है लिंक करने के लिए। मैं यहाँ पे चीज़ों को स्लाइटली सा डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने तौर पर, मैं आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए, चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ूँ ताकि आप उसके ऊपर वर्किंग करें। सो कंट्रोल के कमांड होती है हाइपर लिंक के लिए, कंट्रोल के। सो कैलकुलेशन डोमिनेशन, जो फाइल्स आप इसके ऊपर रखना चाह रहे हैं वो आप सेट कर सकते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट में सेट करना, ईमेल एड्रेस पे ले जाना इसको, एग्जिस्टिंग फाइल पे लेके आना, टारगेट फ्रेम पे लेके आना, वो जो चीज़ें इसके अंदर है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। सो बुक मार्क्स क्या होते हैं जी? आपने किसी चीज़ को ना बुक किया होता है बुक मार्क, जैसे ये बुक मार्क है मेरा, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए। अब ये मेरा बुक मार्क बन गया। अब मैं बुक मार्क में जाकर देखूंगा मेरा ये टेक्स्ट यहाँ पे है। लोकेशन देखना चाहता हूँ सो मुझे लोकेशन बता देगा। सो नेम उसका जो भी सेट किया, गो टू, मुझे उस बुक मार्क पर ले जाएगा। मतलब ये होता है कि जब आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं ना, या बुक राइट कर रहे हो, बुक लिख रहे होते हैं, कोई चीज़ ऐसी या आप कहते हैं कि यार इसको मैं दोबारा आगे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसको बुक मार्क सेट कर रहे हैं। अब बुक मार्क लगाने से क्या होगा, वो मार्क हो जाएगा, आगे चल के आपने कहीं पर उसको यूज़ करना है तो आप यहाँ से बुक मार्क्स में से उसको आप लेके ऐड कर लेंगे, तो वो वहाँ पे नई जगह पे ऐड कर देगा। जैसे देखें बुक मार्क में यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये देखें, सो उसने ऐड कर दिया इसको ब्लैंक को ही। इसी तरह क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं आपके पास, नंबर्ड आइटम्स, और ये बेसिकली रेफरेंसेस होता है, इंसर्ट कर देते हैं लिंक्स अपने पैराग्राफ्स के ऊपर और उसके ऊपर हम क्रॉस रेफरेंस लगा देते हैं। जैसे ये है तो इसके लिए आपको क्रॉस रेफरेंस आइटम की हेडिंग जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं इसको। ये पूरा एक क्रॉस रेफरेंसिंग जो है ना फॉर्मेटिंग से हट गया है थोड़ा काम, इसका ताल्लुक जो है ना वो एफिशिएंसी के साथ होता है, डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन और एडवांस फीचर्स में ये चीज आ जाती है। ले जी उसके बाद कमेंट्स हैं, अगर आप कमेंट देना चाहते हैं किसी चीज के ऊपर, लाइक इसके ऊपर मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो कमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना कमेंट। अब ये प्रिंटिंग में शो नहीं होते लेकिन डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान ये कमेंट शो करेगा, मुझे बता देगा भी यहाँ पे कमेंट आपका लिखा हुआ है। असाइनमेंट करने के बाद नॉर्मली हम लोग कमेंट करके देते हैं तो कमेंट आपको शो कर हो रहे होते हैं यहाँ पे। सो ये कमेंटिंग के लिए है। नेक्स्ट है जी हेडर एंड फुटर। हेडर होता है आपके पेज के स्टार्ट पे जो चीज आती है, हर पेज के शुरू पे वो चीज आती जाएगी, और फुटर उस पेज के बॉटम पे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक रेंडम पेज जनरेट करता हूँ, ये रेंडम मैंने जनरेट किया, सो 100 लाइंस के 100 पैराग्राफ जनरेट हुए। अब देखें हर पेज के स्टार्ट पे जो मैंने लिखा होगा हेडर में वो आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे हेडर में लिख देता हूँ वसीम रियाज, सो इसका मार्जिन भी मैं हेडर का सेट कर देता हूँ। सो ये वसीम रियाज हर पेज के शुरू पे लिखा आएगा। सो इसी तरह बॉटम पे आप ले जाना चाहते हैं तो बॉटम पे डबल क्लिक करेंगे, फुटर पे वो फुटर आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे जी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट, तो हर पेज के बॉटम पे ये यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट आएगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर आपने पेज नंबरिंग इंसर्ट करनी है, कहाँ पे करनी है जी? टॉप पेज के टॉप पे, बॉटम पे, पेज के मार्जिन्स पे, कहाँ पे करना चाह रहे हैं? करंट पोजिशन पे। सो नॉर्मली हम बॉटम पे करते हैं, पेज नंबर नीचे होते हैं, आप लेफ्ट पे कर रहा हूँ राइट पे कर लें। सो डिफरेंट पेज नंबरिंग स्कीम्स अवेलेबल है, डेट एंड टाइम शो करवाना है, सो ये वाली स्कीम यूज करनी है तो साथ टाइम और डेट भी आ गई, ये सिर्फ डेट आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, वो आज की डेट यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आप इमेज बेस्ड टेक्स्ट बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करता हूँ ये वाला स्टाइल। सो ये टेक्स्ट बॉक्स साइड पे आपने बुक्स में अक्सर देखा होता है,
बुक्स में साइड पे वो इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, तो ये बेसिकली आपके टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी सेट करनी है, ऑथर, सब्जेक्ट, स्टेटस, टाइटल, मैनेजर कौन है, कीवर्ड्स क्या है, कंपनी का फोन नंबर, ये ऑथराइजेशन को सेट करने के लिए होता है और ये क्विक पार्ट्स होते हैं। वर्ड आर्ट आपके पास एक फीचर ऐसा है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन अवेलेबल है, इसको हम पहले भी फॉर्मेट के अंदर देख चुके हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग है, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, टाइम एंड डेट की बात हम कर चुके हैं, ये इंसर्शन के अंदर है, सिग्नेचर लाइन आपने छोड़नी है। सो सिग्नेचर क्या साइन करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल जॉन अपना वो नाम देना है, इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर बेसिकली होते हैं ये। इसी तरह आपने यहाँ पे अपने सिंबल्स सेट करने हैं, मोर सिंबल पे जाएं, पूरी एक लिस्ट अवेलेबल है सिंबल्स की, मैथमेटिकल इक्वेशंस के सिंबल्स अवेलेबल हैं, स्टैटिस्टिक्स के सिंबल्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी लैंग्वेजेस के सिंबल्स अवेलेबल हैं, तो वो जो सिंबल्स आपने इंसर्ट करने हैं आप इंसर्ट पे जाके सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं, ये कॉपीराइट का सिंबल है, ये अल्फा का सिंबल है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, सो मैं तीनों सिंबल्स का साइज बढ़ाता हूँ, देखिए, तो ये सिंबल्स वगैरह एज ए टेक्स्ट उसको प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ये फीचर एक एक्स्ट्रा है, अगर आपने क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करनी है, किस तरह वाली क्वेश्चन सेट करनी है जी, इसका साइज क्योंकि मैंने बहुत बड़ा कर दिया इसलिए वो यहाँ पे बड़ा शो करेगा, मैं इसको 25 पे ले आता हूँ। देखिए जनाब, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गई, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज अपनी मर्जी के पुट कर लें। सो इक्वेशन हैंडलिंग इसके अंदर आ जाएगी सारी,